हालेलुया सबको जय मसीह की। स्वागत है आप सबका इस YouTube चैनल होली गोस्ट प्रोडक्शंस में। डेली वर्ड ऑफ गॉड के लिए सब्सक्राइब करें इस YouTube चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन सेट कर लें। टुडेज आवर स्पिरिचुअल फादर है गेस्ट स्पिरिचुअल बर्थडे। कांग्रेचुलेशंस पापा जी, कांग्रेचुलेशंस अपोस्टल जी। माय स्पिरिचुअल फादर, गॉड गेव यू मोर एंड मोर एंड मोर ग्रेस एंड यूज योर फॉर हिज किंगडम। हालेलुया। आइए हम सब मेरी भविष्यवाणी की पुस्तक में से आज के पवित्र वचन को पढ़ते हैं, जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यीशु पुनरुला जी के द्वारा लिखा गया है। आज का पवित्र वचन बपतिस्मे का महत्व, जिस तरह मत्ती की पुस्तक अध्याय 3 के 16 में लिखा है, और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया और देखो उसके लिए आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर के समान उतरते और अपने ऊपर आते देखा और देखो यह आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। मेरे प्रियो, आज का दिन आपकी जिंदगी में मुबारक ठहरे। आज ही के दिन मैंने बपतिस्मा लिया और प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया था। बाइबल में लिखा है कि जब यीशु ने बपतिस्मा लिया तो यह आकाशवाणी हुई कि यह मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इसे बहुत प्रसन्न हूँ। बपतिस्मा लेने का सबसे बड़ा मकसद है कि अपने पिता परमेश्वर को प्रसन्न करना। बपतिस्मा आपकी चंगाई के लिए नहीं है, चंगाई देने परमेश्वर का स्वभाव है। हो सकता है कि वह चंगाई आपको बपतिस्मे से पहले या बाद में मिले, यह प्रभु की योजना पर निर्भर करता है। बपतिस्मा बरकत, आशीष और चंगाई देने वाले परमेश्वर को खुश करने के लिए होता है। आपका मकसद परमेश्वर की सेवा करना, प्रार्थना करना, वचन पढ़ना और रूहें बचाना और सर्वशक्तिमान परमेश्वर को खुश करना होना चाहिए। बपतिस्मा लेने के समय आपको वचन सुनाया जाता है। जरूरी नहीं कि उस वचन को बपतिस्मा लेने के बाद ही माना जाए, उस वचन को शुरू से ही माना जाना चाहिए, जैसे कि व्यभिचार ना करना, गलत संबंध ना रखना। अगर आप शादीशुदा हैं तो आपको अपने पति या पत्नी के अलावा बाहर कोई संबंध नहीं रखना, चोरी न करना, हत्या न करना, अपने गुनहगारों को माफ करना और अपने माता पिता का आदर करना, मूर्ति पूजा ना करना, अपनी कमाई का दसवां अंश प्रभु के घर में देना। जब आप प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा लेते हैं तो बाइबल बताती है कि आप पानी में जाते हैं, जिसका मतलब यह है कि आप गाड़े गए, आप यीशु मसीह में मर गए। और जैसे ही आप पानी से बाहर निकल कर आते हैं, इसका मतलब अब आप फिर से मसीह में जी उठे हैं। जैसे यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे, वैसे ही आप भी मसीह में नया जीवन पा लेते हैं। आपके सारे पुराने पाप माफ हो जाते हैं। फिर आप अपना जीवन अपने लिए नहीं बल्कि प्रभु यीशु मसीह के लिए, दूसरों को बचाने के लिए और प्रार्थना में बिताएंगे और परमेश्वर को अधिक खुश करेंगे। अगर आप अपने ही जीवन में ही नहीं चल रहे हैं तो आप दूसरों को क्या बचाओगे? अगर आपने बपतिस्मा लिया, अपना जीवन प्रभु को दिया है, तो जो अगला जीवन आने वाला है आपने उसको प्रभु के लिए जीना है। तब परमेश्वर आपकी जिंदगी को अपनी आशीषें, सामर्थ्य, दोनों वरदानों, दया और अभिषेक से भरपूर कर देगा। परमेश्वर आपके लिए लड़ेगा, वह हमेशा आपकी मदद के लिए खड़ा रहेगा। परमेश्वर आपके हर हालत में आपके साथ रहेगा। जब आप आग और मुसीबतों में से होकर जाएंगे, वह आपके साथ होगा। अगर आपका जीवन मसीह में बपतिस्मा लिया हुआ होगा, तब परमेश्वर आपसे प्रसन्न होगा और आपको अपने पुत्र और पुत्रिया बनाएगा। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीषित करे, आमेन। यह घोषणा प्रेरित जी की तरफ से आपके लिए की गई है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जो लोग इन वचनों को पढ़ें, उनकी जिंदगी में यह सौगुना फल को लेकर आए, लोगों की जिंदगी बदले और वह परमेश्वर को जान ले और बपतिस्मा ले, ताकि
वे परमेश्वर को प्रसन्न कर सके और परमेश्वर की संतान बन सके। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य आमेन 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 आमेन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।